नमस्कार दोस्तों, स्टडी द राइट वे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हो 10 सीबीएसई का पूरा सिलेबस वीडियो के माध्यम से, और आज हम देखेंगे केसीपी मैजिनी के बारे में। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट अबाउट केसीपी मैजिनी, तो ये नोट आप सिर्फ दो मिनट में समझोगे ये क्या है, और बाद में अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और फनी तरीका बताऊंगा याद इसे कैसे रखना है। तो दोनों हो जाएगा, समझेगा भी और याद भी रहेगा। तो दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को कीजिए, क्लिक कीजिए और बाजू में बेल आइकॉन डेफिनेटली दबाइए, ताकि जैसे जैसे आगे वीडियो आते जाएंगे आपको अलर्ट मिलेगा और आपकी स्टडी आसान और मजेदार होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है केसीपी मैजिनी के बारे में। तो इसके बारे में नोट लिखने को बोला जाता है, तो सबसे पहले वर्ड याद रखिए दोस्तों, जी और एम, केसीपी मैजिनी, ये एक देश के नेता थे जिन्होंने फ्रीडम फाइट में बहुत बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी जैसे इंडिया में थे, केसीपी मैजिनी इन्होंने इटली के फ्रीडम फाइट में बहुत बड़ा योगदान दिया, और उन्हें कहा जाता था द बीटिंग हार्ट ऑफ इटली, बीटिंग हार्ट ऑफ इटली। अब इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इटली के एक गांव जिनेवा में उनका जन्म हुआ था 1807 में। कब हुआ था? 1807 में। और उन्होंने वेरी 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 अर्ली एज में एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी जिसका नाम था कार्बनरी। कार्बनरी याद रखने का फनी तरीका बताऊंगा मैं आपको, कार्बन नारी यानी काली नारी जैसा, एंड में, अभी नहीं। ओके, तो 24 साल की उम्र में 1831 में उन्हें एक्साइल कर दिया गया था, यानी देश से निकाल दिया गया था। उसकी वजह थी कि उन्होंने लिगुरिया नाम के एक रिपब्लिक के फ्रीडम की मूवमेंट करने का कोशिश किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, केसीपी मैजिनी का एक बिलीफ था, वो हमेशा ये सोचता था कि भगवान ने देशों को बनाया है एज अ नेचुरल यूनिट ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एज अ नेचुरल यूनिट ऑफ ह्यूमंस बनाया है, और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि इटली, जो उसका फेवरेट कंट्री है, जैसे हमारा इंडिया है, इटली शुड बी अ, उसे पसंद नहीं था कि इटली एक पैचवर्क है अलग अलग किंगडम्स का और स्टेट्स का, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ओके, उसको क्या चाहिए था? He always thought कि इटली शुड बी फोर्ज इंटू, यानी उसको एक में सम्मिलित किया जाए, फोर्ज इंटू वन सिंगल यूनिट ऑफ रिपब्लिक, ओके, विथ डिफरेंट डिफरेंट अलाइज एंड स्टेट्स। तो ये उसका कहना था या सोचना था। और इटली से निकालने के बाद, यानी 1831 में जब उसको एक्साइल में भेजा गया, तो उसके बाद उसने दो सोसाइटीज फॉर्म की। पहली सोसाइटी थी यंग इटली, जो कि उसने मार्सेलस, ये वर्ड याद रखिए दोस्तों, इसको भी इजी बनाएंगे, मार्सेलस में फॉर्म की, और दूसरी सोसाइटी उसने फॉर्म की जिसका नाम था यंग यूरोप, और ये यंग यूरोप सोसाइटी को उसने फॉर्म किया बर्न्स में। और देखिए दोस्तों, यहां पे फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मनी, अभी याद आ गया होगा आपको, यहां पे भी एक फनी ट्रिक है, आधे मिनट बाद बताऊंगा आपको। फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मनी, ये अलग अलग देशों के लोग उनकी ये यंग यूरोप सोसाइटी में ज्वाइन हो। वो मोनार्ची के अपोजिशन में इतने कंसिस्टेंट थे कि जो ड्यूक थे मेटरनिच, उन्होंने कहा था कि केसीपी मैजिनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों केसीपी मैजिनी के बारे में। अब हम याद रखने का कोशिश करेंगे कैसे याद रखते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि 1807 में उनका जन्म हुआ। याद ऐसे करेंगे कि 07 में हेवन से आए, 7 में केसीपी मैजिनी, 7 हेवन, याद रहेगा दोस्तों, वाओ, जिनोवा में आए। अभी कार्बनरी, ये सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की, कार्बन नारी, काली नारी, याद रखोगे दोस्तों। आगे देखते 1831 को कैसे याद रखेंगे, जब केसीपी मैजिनी काफी कम उम्र थी उनकी, 24 साल के हो गए, कितने डजन, 24 साल के हो गए, यानी 7 और 24, तो 1831 में उन्होंने वो लिगुरिया, अभी लिगुरिया याद नहीं रहेगा तो आसान तरीका बताता हूं दोस्तों, लोग पेड़ों को उनके
रूट्स के पास यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? यूरिया। बट ये यहां पे हम इमेजिन करेंगे कि एक लड़का है जो कि उसके लेग पे, कहां पे? लेग पे यूरिया डाल रहा है। लिगुरिया में उन्होंने एक नया रिवोल्ट शुरू करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको एक्साइल में डाल दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो सिंबल्स आपको याद आएंगे, पैचवर्क ये भी ठीक है। मार्सेलस को कैसे याद रखेंगे हम? मैं आपको सिंपल तरीका दिखाता हूं दोस्तों। ये यहां पे लिख रहे दो वर्ड, एक है मार्स और एक है इल। मार्स से आने के बाद कोई इल हो गया, ऐसे याद करो आप, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बर्न्स और फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मन, ये याद रखने हैं, जो कि यंग यूरोप का जो बर्न था तो उसका क्या ख्वाहिश था, समझो दोस्तों। गैसिपी मैजिनी का क्या ख्वाहिश था? ही वॉन्टेड टू बर्न द मोनार्कियल सिस्टम। राजाओं की जो सिस्टम थी उसको वो जड़ से उखाड़ना चाहता था, बर्न करना चाहता था। तो यंग यूरोप का जो हेडक्वार्टर है वो कहां बनाया उन्होंने? बर्न्स में। और उसके जो मेंबर्स थे वो फैट फिग, अभी ये मजाक में समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं किसी का इंसल्ट करने का। फैट फिग कंट्रीज के जो मेंबर्स है वो बन गए। फैट फिग कैसे याद रहेगा? फ्रांस है, पोलैंड है, इटली है और जर्मनी है, रहेगा याद। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी ये अपोजिशन किया मोनार्शी को, वो तो आपको पता है। और ये ड्यूक का वर्ड भी देखो, यहां पे एक मीटर है और नीचे है, इसका अपोजिशन इतना था कि ड्यूक को पता था आज नहीं तो कल वो मीटर पर नीचे जाने ही वाला है, मीटर नीच, रहेगा क्या यार दोस्तों। तो इस तरीके से आप याद रखोगे दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत मजा आया होगा ये वीडियो देखते हुए और ये कंसेप्ट भी समझा होगा। तो अंत में दोस्तों एक विनती करता हूं आपसे, खुद की मदद कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। क्या लगता है आपको कि आपकी मदद हो रही है? अगर हाँ है तो बेल आइकन तुरंत दबाइए और खुद गर्ज ना बनाओ दोस्तों। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप आपके दोस्तों की मदद कीजिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।